इस वीडियो में सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ में न्यू डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं और जो फाइल सेव होती है उसे कैसे ओपन करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट न्यू डॉक्यूमेंट। क्योंकि नए डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें से पहला एक तरीका जो ये है कि आप सीधे कीबोर्ड पर कंट्रोल एन प्रेस करना है। हाँ, लेकिन आपका प्रोग्राम फाइल ओपन होना चाहिए, कोरल ओपन होना चाहिए, फिर उसके बाद में आपको कंट्रोल एन प्रेस करना है तो आपका नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे कोरल ड्रॉ में जा करके कैसे करते हैं वहाँ पे। दूसरा प्रोसेस ये है कि ये स्टैंडर्ड बार है, जैसा कि इंट्रो में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड बार क्या होता है। इसमें सभी शॉर्टकट्स होते हैं जो हमें ज़्यादा यूज़ करने होते हैं, जो कमांड्स तो उनके शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कमांड जो है ये न्यू का है, इस पर क्लिक करते ही आपका न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन है कि आप फाइल पर क्लिक करिए। फाइल पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन न्यू का मिलता है, जिस पर आप प्रेस करेंगे तो आपको नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और इसमें आप देखोगे तो इस साइड में आपको इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद एक और ऑप्शन है कि अगर आपका एक फाइल यहाँ पर खुला हुआ है, उसके बाद अगर आपको कोई और न्यू डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो यहाँ पर आपका एक प्लस का आइकन ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, आपका नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। दूसरा, चलिए देखते हैं कि एग्जिस्टिंग फाइल्स को कैसे ओपन करते हैं। तो इसका पहला एक तरीका ये है कि ब्राउज़र खोलने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल ओ प्रेस करना है, आपका ब्राउज़र खुल जाएगा। फिर वहाँ से आप फाइल को ब्राउज़ कर लीजिए, जिस भी लोकेशन पर आपकी फाइल सेव है उस लोकेशन पर जाकर आपको सिंपली ओपन पर क्लिक करना है और आपका फाइल ओपन हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन ये है, फाइल पर क्लिक करना है और फाइल में जैसे ही आपने यहाँ पे न्यू देखा था, उसके नीचे आप देखेंगे तो ओपन का एक बटन आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें इसका शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सिंपली इस पर ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपको ब्राउज़र खुल जाएगा, आपका एक फोल्डर खुल जाएगा जिसमें आपको उस फाइल जहाँ पर आपका फाइल सेव है, जो फाइल ओपन करना है उस पर डबल क्लिक करना है, आपकी फाइल खुल जाएगी। ओके, एक और ऑप्शन, इस ऑप्शन में आपका स्टैंडर्ड बार में जैसे आपने देखा था यहाँ पे न्यू का शॉर्टकट कमांड है, वैसे यहाँ पर एक ओपन का शॉर्टकट कमांड है, इस पर आपको क्लिक करना है, सिंपली आपका सेम प्रोसेस बाकी का सेम होगा। चलिए इसको देखते हैं कोरल ड्रॉ में। चलिए, ये कोरल ड्रॉ का इंटरफेस है। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे नया डॉक्यूमेंट लेना है और कैसे सेव फाइल को ओपन करना है या फाइल को सेव करना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड पर आपको कंट्रोल और एन प्रेस करना है, ये देखिए ऐसे मैंने कीबोर्ड पर कंट्रोल और एन साथ में प्रेस किया तो यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया। दूसरा, मैंने बताया आपको फाइल पर जाना है और इसमें सबसे पहला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल गया। और मैंने एक बताया आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट की है, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। और एक तरीका और है, यहाँ पर अगर एक कोई भी एक फाइल अगर खुली हुई है तो आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिखाई पड़ेगा, ये टैब है जो न्यू वर्जन में है। तो इस टैब में आपको सारे फाइल्स खुली हुई दिखाई पड़ती हैं, जितने भी फाइल आपकी यहाँ पर खुली होंगी सभी यहाँ पर शो होंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपका एक और नया टैब खुल जाएगा, नई फाइल खुल जाएगी। ठीक है, आप ऐसे नए डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बना सकते हैं, जब भी आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना हुआ। और यहाँ क्लोज करने के लिए इस पर क्लोज कर दिए, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो फाइल ऑलरेडी सेव है उसे कैसे ओपन करते हैं। तो इसका सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया कि सिंपली आपको कीबोर्ड पर कंट्रोल और ओ प्रेस करना है, आपका ऐसे ब्राउज़र खुल जाएगा। फिर इसमें आपके जिस लोकेशन पर वो फाइल है वहाँ पर जाकर के आपके कंप्यूटर में अगर फाइल है तो कंप्यूटर के फोल्डर, उस फोल्डर में जाकर आपको उस फाइल पर डबल क्लिक करना है, या तो फिर इस पर सिंगल क्लिक करने के बाद आपको इस पर ओपन पर क्लिक करना है, ये फाइल ऐसे ओपन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आपको ये फाइल के अंदर ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो फाइल पर क्लिक करना है और ये ओपन का ऑप्शन यहाँ पर है, इस पर क्लिक कर देना है तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा।
उसके बाद एक ऑप्शन मैंने बताया आपको, यहाँ पर इसका आइकन दिखता है। आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए साइड में एक आइकन भी दिख रहा है। ये आइकन देख करके भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा चीज़ क्या चीज़ है, अगर आपको खाली आइकन दिखाई पड़ रहा है तो। देखिए यहाँ पर इसका आइकन दिखाई पड़ता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक किया और हमारा ब्राउज़र खुल गया। यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करना है और ये फाइल ओपन हो जाएगी। चलिए एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इस इंटरफेस के बारे में। मान लीजिए आपको ये स्टैंडर्ड बार यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप बोलोगे कि मुझे तो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या करें। तो इसके लिए करना क्या है कि ये देखिए, इस पर आप राइट क्लिक करोगे तो इसका कस्टमाइजेशन ऑप्शन यहाँ पर मिलता है और यहाँ से हम इसको लॉक भी कर सकते हैं। देखिए मैंने लॉक कर दिया है, कभी ये यहाँ से पॉसिबल है कि ये हिले नहीं। अगर इसका लॉक खुला हुआ होगा तो ये यहाँ से ऐसे मूव भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे ये मूव हो गया, ये ऐसे मूव हो सकता है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए कि अगर ऐसी ऐसा कुछ अगर आप के इंटरफेस में हो जाता है तो बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। आप यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं इसको ऐसा मूव भी कर सकते हो अलग अलग, ठीक है। सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो बाहर और फिर उसको वहाँ पर सेट भी कर सकते हो। वहाँ पर ले जाकर आपको छोड़ देना ऐसे तो वो उसी जगह पर चला जाएगा। देखिए तो इसको यहाँ पर ले जाकर छोड़ दिया, उसी जगह पर चला गया, टूल बॉक्स के टूल बॉक्स की जगह पर पहुँचा दो। प्रॉपर्टी बार को प्रॉपर्टी बार की जगह पर पहुँचाया जाए, देखिए इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। इस पूरे इंटरफेस में अगर कोई चीज़ मूव हो जाती है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको किधर भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसको सेट करने के बाद यहाँ से लॉक कर दीजिए।